हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। आज ये चार्ट है जीरोधा का, इस पर वन डे का डेली चार्ट है ये। इस पर आप देख सकते हैं कि जो डेली चार्ट में इसने एक हैमर फॉर्म किया है, ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो फॉर्म हुआ है आज का कैंडल, इसको हम हैमर कैंडल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न में होता है हैमर कैंडल, तो उस हिसाब से ये है। तो आज का जो है, जैसे मैंने कल एनालिसिस करके बताया था, उसमें मैंने बताया था कि ये ओपनिंग कहाँ पे होता है। यदि फ्लैट और निगेटिव ओपनिंग होता है तो कल के लो को टच करेगा, हो सकता है उसके थोड़ा नीचे जाए, और यदि हाई ओपनिंग हो जाता है तो कल का जो क्लोज था यानी कि 450 या 500 के आसपास का, वहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। यदि उसको तोड़ता है तो कल के लो पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो आज क्या हुआ, अब हम 15 मिनट चार्ट में जाते हैं। 15 मिनट चार्ट में देखते हैं, ये देखिए 15 मिनट चार्ट है ये। 15 मिनट चार्ट में क्या हुआ, ओपनिंग 100-150 पॉइंट ऊपर हुआ तो इसको नीचे आना था, नीचे आया। फिर इसने कल के क्लोजिंग के आसपास में, यहाँ पे देखिए, ये जो कल का क्लोजिंग है यहाँ पे, ये यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसने ये जो लो बनाया है 29217 का लो बनाया है। तो ये आया सीधा कल के लो के आसपास में आया, इसने होल्ड करने की कोशिश किया, फिर उसने उस लो को भी तोड़ के नया लो बनाया। लेकिन सेकंड हाफ में 12:30 के आसपास इसने मार्केट घूम गया, क्योंकि ग्लोबल न्यूज़ अच्छा था, डॉ फ्यूचर्स अच्छे थे, यूरोप के मार्केट जिसकी वजह से पूरा मार्केट गिरा था वो पॉजिटिव ओपन हुआ, तो वहाँ से बाउंस बैक कर गया मार्केट और सेकंड हाफ में पूरा रिकवर हो गया जिसने लॉस किया था वो। तो इस तरीके से है। अब बात करते हैं कल के लिए कौन कौन से लेवल इम्पॉर्टेंट हैं। कल आज जो क्लोजिंग हुआ है करीब 625 के आसपास क्लोजिंग हुआ है, और बुलिश मोमेंट में फिर से इसने रिकवर कर लिया है। तो कल ओपनिंग यदि इसी लेवल पर होता है या थोड़ा ऊपर होता है 100 पॉइंट के आसपास में, तो ये 29500 के आसपास से बेस बनाएगा, सपोर्ट लेगा, और ये 30,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। यदि फ्लैट और ऊपर थोड़ा ऊपर ओपन होता है तो ये सपोर्ट लेके ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा। हाँ, फ्लैट से नीचे निगेटिव ओपन हो जाता है, 100, 200, 300 पॉइंट नीचे ओपन हो जाता है, तो ये फिर से इसका 29600-700 बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा। मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, ये जो लेवल है यहाँ पे, ये इसके लिए रेजिस्टेंस 29600-29700 के आसपास रेजिस्टेंस रहेगा, और नीचे 29500 के नीचे जब जाएगा तो 29000 का एक मेन सपोर्ट रहेगा। ये 29000 से आज बाजार लगभग घूमा है, तो 29000 पे फिर से सपोर्ट लेगा, और यदि ऊपर जाता है तो ये 30,000 के आसपास, मतलब इसका रेंज हम देखेंगे तो 29,000 से लेके 30,000, ये एक बड़ा लेवल है। अभी करीब 600 के आसपास में है, तो नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 29,000 का, और ऊपर एक रेजिस्टेंस रहेगा 30,000 का। तो ओपनिंग कहाँ पे होती है, फ्लैट होती है, तो कोशिश करेगा बाजार ऊपर जाने का। 30,000 के आसपास से हर्डल रहेगा, यदि उसको पार करता है तो फिर 230-300 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। नीचे आता है 29500 के नीचे तो 29200-300, और फाइनली 29000 का लेवल इम्पॉर्टेंट है। तो ओपनिंग कहाँ पे होती है ये देखते हैं। यदि ओपनिंग इसी लेवल पे होती है तो डेफिनेटली ऊपर जाने की कोशिश करेगा, नीचे लेवल पे होती है तो 29000 का सपोर्ट लेगा। आज ये अब बात करते हैं, ये तो हो गया बैंक निफ्टी की बात हो गई, अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के लिए जाते हैं इस चार्ट पे, ये डेली चार्ट लगा हुआ है। डेली में आप देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी ने कम्प्लीटली एक बुलिश मोमेंटम वाला कैंडल बनाया है, प्योर हैमर बनाया है, और यहाँ पे इसने लगभग हैमर बनाया है। बाकी अगर हम इस पे देखें, हम निफ्टी के चार्ट पे देखें, तो एक और हमको कैंडलस्टिक का फॉर्म नज़र आ रहा है इसमें। ये एक बड़ा कैंडल और उसके अंदर ये इनसाइड कैंडल। तो ये इनसाइड कैंडल में क्या होता है, यदि इसके लो को तोड़ता है कल या किसी भी दिन, तो ये जितना बड़ा मोमेंट हुआ ये बड़ा वाला कैंडल 300-400 पॉइंट का, उतना फॉल और हम एक्सपेक्ट करेंगे
जो कि 12,500-600 के आसपास जाने की कोशिश करेगा यदि इसके नीचे क्लोज हो जाते हैं या नीचे में जाते हैं तो। लेकिन यहाँ पे यदि ये कल इसका आज का जो हाई बना है इसको तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये जो कोशिश करेगा 12,600-700 जहाँ से ये घूमा था वहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगी एक बार फिर से। ठीक है, तो अब फिर से इसका 15 मिनट का कैंडल देखते हैं हम। ये हो गया डेली कैंडल का, अब 15 मिनट का कैंडल देखते हैं। ये है 15 मिनट का कैंडल। 15 मिनट के कैंडल में देखेंगे तो ये ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। अगर हम इंट्राडे का चार्ट देखें तो नीचे गया और इसने जैसे बैंक निफ्टी ने कल का लो तोड़ दिया था, इसने ये अपना लो नहीं तोड़ा। ये जो लो था उसके नहीं तोड़ा और उसके लो के आसपास ही बाजार जो है पूरा घूम गया। और ये जो हाई दिया था ओपनिंग से ऊपर आके हाई अच्छा खासा 1% का गेन होके बंद हुआ है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक बार कल का इम्पोर्टेंट है। यदि कल ये फिर से 600-700 के आसपास जाता है, खास करके मैं आपको ये बताऊं ये लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो लेवल है यहाँ से जो गिरा था तो करीब करीब बोल सकते हैं कि 13,600 580 से 600 के आसपास का लेवल, ये जो लेवल है इसके लिए यहाँ से बड़ा फॉल हुआ था। कोशिश करेगा यहाँ पे टच करेगा, ये आने के बाद में यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। इस रेजिस्टेंस एरिया में कुछ समय बिताता है, आधा घंटा 1 घंटा या कल पूरा इसी के आसपास बंद होता है तो अगले दिन इस रेजिस्टेंस को पार करने की कोशिश करेगा। और नेक्स्ट डे एक्सपायरी भी रहेगा तो हो सकता है इसके आसपास में ही ये टिका रहे। तो कल का ओपनिंग फिर से इम्पोर्टेंट है। कल ये फ्लैट या थोड़ा ऊपर ओपन होता है तो ये हम बाइंग के लिए देखेंगे। थोड़ा डीप आता है तो हम थोड़ा वेट करेंगे कि 13,400 के आसपास, 13,400 के आसपास आए तो हम फिर से बाइंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल देखते हैं मार्केट कैसे होता है। और मेन ये है कि यूरोप का बाजार आज संभल गया है। कल डॉ फ्यूचर और डॉ जो है यदि मोमेंटम बुलिश रहता है तो, और आज के FIS और DIS की बाइंग अगर होती है FIS की बैंक तो डेफिनेटली कल मार्केट जो है रिबाउंड करेगा। जितने भी लॉसेस हैं वो कल रिकवर, कल या परसों में रिकवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक थैंक यू वेरी मच।